रोहित शर्मा पर भड़क गए भारतीय तेज गेंदबाज। आईपीएल 2022 के खत्म होने के बाद टीम इंडिया 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस क्रिकेट सीरीज को टी20 वर्ल्ड कप 2022 की तैयारी की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली व टीम इंडिया के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। वहीं सूर्यकुमार यादव और रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी इंजरी की वजह से टीम से बाहर हैं। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केएल राहुल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह ने रोहित शर्मा द्वारा इस टी20 सीरीज में आराम लिए जाने पर सवाल उठा दिए। आरपी सिंह के मुताबिक रोहित शर्मा को आराम करने की जरूरत क्या थी, जब उनका आईपीएल सीजन 2022 काफी खराब बीता था और वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे। उन्होंने एक टीवी न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को टी20 सीरीज खेलनी चाहिए थी। हालांकि आराम करना या नहीं करना उनका निजी फैसला है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी थकान महसूस कर रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ब्रेक लेने की जरूरत थी और उन्हें खेलना चाहिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबी सीरीज है और वो टीम के कप्तान भी हैं। आरपी सिंह ने कहा है कि रोहित शर्मा ने पिछले कुछ सीजन में 400 से ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। वहां कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन ज्यादा निरंतर नहीं रहा है। हालांकि उन्होंने कुछ मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। उनकी इन पारियों से लगा कि उन्हें स्पार्क बाकी है और आपको टी20 प्रारूप में मैच विनर्स की जरूरत होती है। अगर वो टीम के लिए बड़ी पारियां खेलते हैं तो टीम को जीत मिलती है। इस सीजन के माध्यम से रोहित शर्मा के पास अपनी फॉर्म को हासिल करने का अच्छा मौका था। आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कि रोहित शर्मा को आराम करना चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।